एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज देर है, वेडनेसडे, और डेट है 23 मार्च। हाँ जी, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7:15, 7:30 बज रहे हैं, और मैं बैठी हूँ अपने यहाँ अपने गार्डन में फूलों के बीच। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ठंडी हवा होती है और दोपहर तक जाते जाते ये गर्म हवा लू बन जाती है। हमारे यहाँ पे ये हालात हो रखे हैं अभी। और काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था कि ये गुलाब के पेड़ आपने किस तरह से लगाए, किस तरह से आप इनकी देखरेख करते हो, वो बताना। तो देखिए, मैं तो करती नहीं हूँ, ठीक है? सीधी बात, सच्ची बात बताती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। ये जो भी करते हैं, पहले पापा जी करते थे, यानी मेरे ससुर जी करते थे, और अब जो है वो दीर जी करते हैं। तो जो करते हैं देख रेख, उन्हीं से पूछेंगे, दीदी बताएंगे आप लोगों को कि वो किस तरह से देख रेख करते हैं और किस तरह से ये पौधे जो है पेड़ बन चुके हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये तो खैर मेरे घर के हैं, सामने एक प्लॉट है उसमें भी बहुत सारे गुलाब हैं, और एक और प्लॉट है वहाँ पर भी बहुत सारे गुलाब के पेड़ हैं। तो ये जो सारे फूल आप लोग देखते ना मेरे ब्लॉग्स में, बहुत सारे 200-200 फूल गुलाब के देखते ना, तो वो सब के होते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ घर वाले हैं। घर पर तो कमी है गुलाब। चलिए दीदी से पूछेंगे, वो बताएंगे आप लोगों को। महीने के अंदर ये नई नई डालियां निकलनी स्टार्ट होती है। कैसी दिखे? ये देखो, ये सब नई डालियां हैं, ये फरवरी महीने में निकलनी स्टार्ट होती है। तो फरवरी में निकलने के बाद इनको अलग से कटिंग कर लो। कटिंग करके नई डालियां लगा दो। नई डालियां कटिंग करके और गमले के अंदर लगा दो इनको। ऐसे गमले के अंदर अगर अपन 10 डालियां लगाएंगे तो उसमें से 4 गुलाब की डालियां सक्सेस हो जाएगी। जैसे ये लगाई हुई थी लेकिन ये सूख गई, और ये देखो ये पत्ते नए निकल गए, ये सब स्टार्ट हो गए। इसको 12 महीने तक इसके अंदर ही रहने दो गमले में, रोज पानी डालते रहो, लेकिन इसको धूप में मत रखो, छाया के अंदर रखो। अच्छा, धूप में नहीं, धूप नहीं लगनी चाहिए पूरे दिन। अच्छा, 12 महीने तक जब ये रहेगा तो ये अच्छा खासा पेड़ बन जाएगा पूरा। उसके बाद इसको जमीन के अंदर लगा दो। जमीन के अंदर लगाओ तो इतना ध्यान रखो कि इसकी मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए। मिट्टी सही तरह से कैसे लगाओ इसको, और इसमें खाद वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल मिट्टी के अंदर भी बहुत अच्छे से लग जाएगा। और अब ये सीजन होता है इसका नवंबर में और मार्च में। नवंबर मार्च दो ऐसे महीने होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फूल लगते हैं इसके, नवंबर और मार्च में। अब देखो ये देखो अब ये गुलाब के फूल लग रहे हैं। ये देखिए गुलाब के फूल लग रहे हैं, इधर भी लग रहे हैं। ये हमारी पीछे की गैलरी है, यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो दीदी ने यहाँ पे लगा रखी है गमलों में ये छोटे पौधे। तो 12 महीने तो ये इस तरह से रहेंगे गमलों में, एक साल तक, और फिर इनको शिफ्ट कर देंगे हम ज़मीन में। तो वहाँ पे ज़मीन में इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो जो बड़े बड़े पेड़ आप देखते हो ना, वो ज़मीन में ही लगे हुए, गमलों में नहीं। गमलों में इस तरह से 12 महीने लगा के रखते हैं। ये देखिए इस तरह से खूब सारी यहाँ पे कलमें लग रखी है। इस पर तो फूल भी आ गए, कितने अच्छे अच्छे, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, सुबह इतना खुश होकर इतना मन से अपना व्लॉग मैंने शुरू किया था, और कुछ देर बाद ये हुआ मेरे घर में। इतनी गंद फैल गई कि बस दिमाग खराब हो गया, मूड खराब हो गया, मन कर रहा था बस रोने लग जाओ। मतलब देख देख के रोना आ रहा था मुझे, मेरे घर की हालत इतनी गंद फैल गई थी। और ये हुआ क्यों मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। तीन चार दिन से तो नहीं, एक हफ्ते से यही हो रहा है कि पानी जो है ना बाथरूम का, और जा नहीं रहा था, मतलब ठहर रहा था वो पानी, बाथरूम में से निकल नहीं रहा था। और मैं ये चीज़ दीजिए को, मतलब धीरे धीरे जा रहा था पानी, शायद नाली में कुछ फंस गया। मैं बताऊँगी मैं आगे आपको क्या हुआ क्या नहीं, पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो हुआ क्या कि 3-4 दिन से ये चीज़ हो रही थी, मैंने दीदी को बोला भी, दीदी बोले कोई नहीं, कोई कचरा वचरा आ गया होगा कर देंगे साफ। तो आज दीदी ने सोचा कि चलो ठीक है, इसमें 10-12 बाल्टी जो है नालियों में डाल देते हैं, सारा जो है कचरा साफ हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने 10-12 बाल्टी नालियों में डाली, वॉश मशीन में डाली, सारा कचरा निकल कर बाहर आने लग गया। मतलब पानी बिल्कुल जा ही नहीं रहा था बाहर। तो फिर हो गई हालत ख़राब। मैंने कहा यार अब ये तो हमसे तो नहीं समटने में आएगा, नहीं संभलने में आएगा। फिर दीदी ने बुलाया मिस्त्री जी को, वैसे मिस्त्री जी कहे दीदी के फ्रेंड ही है ये, बेचारे कहते ही आ गए एक बार भाई। और फिर इनको बुलाया, इन्होंने बाहर से मतलब जो भी पाइपलाइन लगी हुई है जाने की, उसको तोड़ा फोड़ा किया, अंदर देखा इन्होंने कि क्या प्रॉब्लम हो रखी है।
तो ये तो देख रहे थे और देव जी मेरे पे मुझे ही सुना रहे थे साथ साथ में। देव जी कह रहे थे क्योंकि जैसे ये नाला में पानी डाल रहे थे ना, ये काला काला जो भी कचरा निकल रहा था, देव जी कह रहे थे कि ये जो तू मेहंदी लगाती है ना, बहुत बहुत मेहंदी लगाती है, फिर उसको वॉश करती है ना, तो ये मेहंदी फंस गई है नालों में। मैंने कहा यार मेहंदी कैसे फंस जाएगी नालों में, मैं जो मुझे तो मेहंदी लगाते हुए 15 साल हो गए, आज तक तो मेहंदी नहीं फंसी और आज मेहंदी फंस गई है। तो मेरे को और गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार एक तो घर की हालत ये हो रखी है और ऊपर से आप मुझे ही डांट रहे हो, मुझे ही सुना रहे हो इस बात पे भी, तो मुझे और इतना मतलब मूड खराब हो गया मेरा। सुबह सुबह इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो आज तो सुबह सुबह मेरी और दीजी की लड़ाई हो गई है। और ये देखिए इतना कचरा निकला है इसमें से, और पूरा घर में इतनी गंदी बदबू हो गई थी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि बस उल्टी आने जैसा हो रहा था सारे घर में, और इतना कचरा निकला। और ये देखिए हुआ क्यों, ये देखिए ये निकला है पत्थर नाली में से। और ये पत्थर कैसे फंसा, मतलब हमने जब ये सेकंड फ्लोर बनवाया था तो हमने जो ये दो पुराने हमारे बाथरूम थे ना, इनकी टाइल्स को भी चेंज करवाया था क्योंकि काफ़ी पुरानी सी हो गई थी ये टाइल्स। तो जब उन्होंने जिस भी मिस्त्री ने ये काम किया ना, तो उसने जब ये टाइल्स लगाई ना, तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने नाले में उससे गलती से ये पत्थर रह गया फंस के, और उसके ऊपर उसने लगा दी जाली। तो ये पत्थर आड़े आ रहा था, इसकी वजह से पानी नहीं जा रहा था, तो रीज़न ये था। और इसकी वजह से इतना कुछ मुझे सुनना पड़ा आज। और फिर देजी भी मुझे बोले, यार बोले कोई नहीं मुझे नहीं पता था ऐसा है ऐसा है। मैंने कहा कोई नहीं यार, कुछ भी होता है घर में तो मुझे ही सुनना पड़ता है कि हाँ ये गलत है तो ये मेरी वजह से हो रहा है। हालांकि फिर उनको बुरा भी लगा कि उन्होंने मुझे कह दिया, पर वही है ना, वो भी परेशान हो रखे थे सुबह से, शॉप के लिए भी लेट हो रही थी उनको। तो चलो कोई नहीं, पर अब जो था वो तो निकल गया, साफ़ भी हो गया। पर अब उन्होंने भैया ने कहा था कि अब साफ़ सफाई अभी मत करना थोड़ी देर जो है इसको, उन्होंने एमसील लगाई थी जहाँ पर उन्होंने पाइप को तोड़ा था वहाँ पे एमसील लगाई थी, तो उन्होंने कहा था उसको सूखने देना, करीबन 2 घंटे बाद आपको साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है। तो फिर मैंने सोचा अब 2 घंटे तक बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैंने सोचा अपना फ्रिज जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो इधर मैंने आज अपना फ्रिज भी, जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी क्लीन करूं, हालांकि मेरा फ्रिज इतना गंदा होता नहीं है क्योंकि मैं ये मैट्स यूज़ करती हूँ, ये बहुत यूज़फुल है। मैंने भी पहले भी बहुत टाइम पहले एक व्लॉग में बताया था, मैंने ये मैट मंगवाई थी अमेज़ॉन से फ्रिज मैट, और इनको लगाने से फ्रिज जो है बहुत टाइम तक अच्छे से रहता है, गंदा नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी बिखरता है तो मैट पर बिखरता है, और उसको मैं जो है कपड़े से हल्के से साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रिज मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, मैट वगैरह सब धो, और ये जो भी अर्जे पुर्जे मैंने फ्रिज के अब धोए हैं तो इनको अब धो के छोड़ दिया है मैंने, और जब सूख जाएंगे तो थोड़ी देर बाद में वापस लगा दूंगी मैं फ्रिज में। और अब कर रही हूँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, हालांकि सुबह एक बार मैंने बासी झाड़ू लगा ली थी आंगन की, पर घर वापस इतना गंदी तरह से फैल गया है, चारों तरफ गंदगी हो गई है कि मुझे वापस से अब सारे घर में झाड़ू लगानी है, और पोछा लगाऊंगी मैं बाद में ही लगाऊंगी, अब सुबह तो मैंने लगाया नहीं था पोछा, सिर्फ झाड़ू लगाई थी आंगन की। तो बस आज तो ये हुआ मेरे साथ सुबह सुबह, इतना मूड ख़राब हो गया, मतलब एक किसी और की एक गलती की वजह से और हमें भुगतना पड़ा। लोग पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, ध्यान नहीं देते, ध्यान से अच्छे से काम नहीं करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे लापरवाह होते हैं। और सारे घर में आज मैंने 2 बारी पोछा लगाया, इतनी गंदी बदबू हो गई थी सारी, मैंने खिड़कियाँ खोल ली पहले 2 घंटे तक, सारे खिड़की दरवाजे खोल के रखे तब वो बदबू बाहर गई, और उसके बाद मैंने लाइजोल डाल के और 2 बारी मैंने पोछा लगाया तब जाके घर साफ़ हुआ है, थोड़ी सी जो है गंदी जो बदबू आ रही थी ना वो कम हुई है। तो आज तो काम बढ़ गया मेरा सारा का सारा। मैंने सोचा तो आज बहुत कुछ था कि कुछ और ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी, और आज ये दिखाना पड़ा मुझे आप लोगों को। और ये रूम सबसे ज़्यादा गंदा हुआ था क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी फैल गया था, और इसको भी मैंने 2-3 बारी अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगाया तब जाके ये चीज़ें साफ़ हुई है। और सारे घर को साफ़ करते करते करीबन मुझे 1:30 बज गया था, इतना टाइम लग गया था मुझे आज घर की साफ़ सफाई करने में। तो बस अब खिड़कियां जो है सारी वापस मैं बंद कर दूंगी, पर्दे लगा दूंगी, क्योंकि बाहर जो है गर्म लू चल रही है, पूरा घर गर्म हो जाता है। तो साफ़ सफाई करने के बाद जो है खिड़कियाँ वगैरह मैं बंद कर देती हूँ। और ये देखिए फ्रिज जो है मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, ये देखिए इस तरह से मैं मैट लगा लेती हूँ। तो सब्जियाँ वगैरह तो मैंने रख दी है धोकर, बाकी कुछ भी अभी सामान मैंने नहीं रखा है। वैसे ज़्यादा कुछ मेरे फ्रिज में रहता भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा तिकड़म पिकड़म चीज़ें जो है फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बहुत ही लिमिटेड सामान मेरे फ्रिज में रहता है, मैं भरा भरा नहीं रखती, मुझे खाली खाली इसी तरह से पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जो है फ्रिज में भर के रख दूँ। तो
फ्रिज मेरा जो है बिल्कुल साफ़ है। और किसी फ्रेंड ने मेरे को एक बार बोला भी था आप अपने फ्रिज को किस तरह से साफ़ करते हो, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो, उसका भी वीडियो बनाना। तो देखिए ये सिंपल सा है, मैं तो कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ मैं रखती भी नहीं हूँ, बस ये कुछ सामान अभी बाहर है जिसको मुझे अंदर रखना है। सारा घर क्लीन किया, फ्रिज क्लीन किया, उसके बाद मैं नहाई हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ लंच की तैयारी। और बिल्कुल सिंपल सा आज खाने में रहने वाला है, सिंपल सा दलिया बनाने वाली हूँ आज खाने में, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है और सबकी तबीयत भी ऐसी चल रही है, सबकी तो क्या बच्चों की, दोनों की स्पेशली तबीयत ऐसी सी चल रही है। तो बस सिंपल सा दलिया बनाऊँगी। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खिलाओ बच्चों को, दलिया खिचड़ी चावल इसी तरह से खाना खिलाओ, तो आज मैं दलिया बनाने वाली हूँ। हम भी वही खा लेंगे, दीदी ने कहा फिर वही खा लेंगे जो बच्चे खाएंगे, क्योंकि वही है कि फिर बच्चे अकेले नहीं खाते, उनको ऐसे लगता है कि नहीं हम ये अकेले नहीं खाएंगे। तो आज सिंपल सा है, बस ये दलिया बनाया है मैंने खाने में, और लड्डू गोपाल जी को भी मैंने भोग लगा दिया घी और चीनी डाल के, तो जिसको जैसे पसंद होगा वो वैसे खा लेंगे। दूध दलिया जिसको खाना है वो दूध दलिया खा लेगा, और जिसको घी चीनी डालकर खाना है वो इस तरह से खा लेगा। हालांकि मुझे घी चीनी के साथ दलिया पसंद है, मुझे तो दलिया पसंद है, मुझे ऐसी वाली कोई फील नहीं आती कि बीमार है इसलिए दलिया खा रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है दलिया खाना। हाँ जी, बच्चों को खाना दे दिया है, अब मैं मेरी प्लेट लगा रही हूँ। मेरी प्लेट सिंपल सी नहीं है, मेरी प्लेट में काफ़ी कुछ है। ये सुबह में मैंने पोहा बनाया था वो ले लिया है मैंने थोड़ा सा, और ये मूंग दाल का हलवा है जिसे मैंने गर्म कर लिया है, और थोड़ा सा दही है, थोड़ा सा दलिया। तो ये है आज का हमारा सिंपल सा लंच, और खाना खाया, आधे घंटे रेस्ट किया और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और लग गई हूँ। ये मलाई पड़ी है काफ़ी दिन की, तो बस इसको मैं बना रही हूँ। अब छाछ बनाऊंगी क्योंकि कल छाछ चाहिए होगी, मुझे भी चाहिए होगी और आस पड़ोस में भी सबको चाहिए होगी, क्योंकि कल हमें बनानी है राबड़ी। तो आज तो मेरा पूरा दिन इसी तरह से काम में भागम भाग में निकल गया, मतलब इतनी बिजी हो रखी हूँ कि मुझे ना तो बाल बनाने की फुर्सत मिली, ना कुछ और करने की, ना ही आप लोगों से बात करने की। मतलब सुबह मैंने आप लोगों से जस्ट थोड़ी सी देर बात की थी और वीडियो शुरू करो, ये देखिए कैसे उबासियाँ मार रही हूँ मैं, क्योंकि नींद आ रही है, थक गई थी मैं आज, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की, मतलब दो सेकेंड के लिए भी मैं बैठी नहीं हूँ आज। मतलब सुबह उठी थी तब से लगी हुई हूँ काम पर और अभी तक लगी पड़ी हूँ। तो बस अब मलाई भी निकाली, ये काम भी ज़रूरी है आज, क्योंकि कल छाछ चाहिए ही चाहिए। आज बनाऊंगी तो कल छाछ खट्टी हो जाएगी, खट्टी छाछ से ही राबड़ी बनती है। टाइम मिल रहा है मुझे आप लोगों से इस तरह से रूबरू होने का, बात करने का। मैं सुबह इतनी ज़्यादा थक गई थी कि दोपहर में बस खाना खाया, बेड पे लेटी और नींद आ गई थी मुझे। करीब सोई तो ज़्यादा नहीं थी, बस आधे घंटे सोई थी, इतने में चाची से आ गए थे, फिर मैंने बर्तन बर्तन उनको दिए, और पर आँखों से लग रहा है ना अभी भी देखो जैसे नींद है आँखों में, चेहरा धोया है मैंने अब, और आँखें अजीब सी लग रही है ना बिना काजल के। हाँ जी, तो चलिए अब आलस उड़ाते हैं। आलस हो रहा था पूरे दिन से, आज सुबह इतना ज़्यादा एक साथ काम कर लिया मैंने, फ्रिज भी साफ़ कर लिया, सारा घर जो गंदा था वो भी क्लीन किया, बस इतनी थक गई कि कुछ काम नहीं किया। पर अब परसों है शीतला माता, हमारे यहाँ पे पूजते हैं तो उसका उसकी पूजा है, तो तैयारी मैं आज से शुरू कर दूंगी। वैसे बहुत सारा खाना तो मैं कल बनाऊंगी, बाकी थोड़ा बहुत मैं आज भी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल नहीं, उड़द के दही भल्ले जिससे बनाते ना, वो बड़े बना के रख रही हूँ, फिर परसों में जो मैं उससे बड़े बना लूँगी तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि उस दिन जो है गर्म खाना नहीं बनता। परसों जब शीतला माता हम पूछते हैं तो गर्म खाना नहीं बनेगा उस दिन, उस दिन सिर्फ हम ठंडा खाना ही खाएंगे। तो अभी ये उड़द दाल मैंने भिगो दी थी, और अब लेट तो काफ़ी हो गया, करीबन 7:30 बज रहे हैं, पर कोई नहीं 10-15 मिनट लगेंगे तो मैं भी बना लूँगी। और ये देखिए मेरी मनी प्लांट किधर जा रहा है ये पर अब इसको ना फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इसी खिड़की में फंस गया है, अब इसको कहाँ चढ़ाऊँ आप लोग बताओ मुझे। ये ऊपर तो इस तरह से फैन आ गया, इधर ये मैं सोच रही हूँ फैन के उधर एक धागा बांध देती हूँ, इसके ऊपर इसको चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसको ना इधर जगह नहीं मिल रही है। बाकी लग काफ़ी अच्छा रहा है ना, ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है आँखों को, किचन में जब इस तरह की चीज़ें होती है ना अच्छी लगती है, देखो अच्छा लग रहा है ना। और ये मेरा पॉट अभी तक टूटा ही पड़ा है बेचारा, आया ही नहीं, कब टूटा था और अभी तक मेरे से नया नहीं लाया गया। चलो बातें कम करती हूँ और काम शुरू करती हूँ, बनाती हूँ दही भल्ले। ये उड़द की दाल है जो मैंने भिगो के रख दी थी, अच्छे से भीग गई है, होली पे बनाने वाली थी पर होली पे मौका ही नहीं लगा, बना लेते हैं।
हाँ जी, तो अब वो जोड़द की दाल मैंने भिगोई थी, उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी डालकर और मैंने उसको पीस लिया अच्छे से। और बस ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़े ही बड़े बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि खाने वाले इतने ही लोग हैं। हालांकि मैं ये होली पे बनाने वाली थी, पर होली पर तो फिर इतना कुछ बन गया था कि उदय जी ने मना कर दिया साफ कि नहीं कुछ नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने दाल को अच्छे से उड़द दाल को पीस लिया है और अब इसको फ्राई करना है हमको बिल्कुल हल्की हल्की आँच पे, बहुत तेज़ आँच पे नहीं फ्राई करना है वरना बड़े ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको हल्के हल्के आंच पे फ्राई करना है, तो मैं सोच रही हूँ दोनों काम जो है एक साथ कर लेती हूँ। इधर मैं सब्जी भी तैयारी कर रही हूँ और इधर जो है बड़े भी फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ दोनों काम कर रही। देख लो कितनी मल्टी टास्किंग वूमेन हूँ मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ, क्या करूँ और तो कोई करता नहीं, आप लोग भी नहीं करते हो। हाँ जी, तो इधर जो है और मैं साथ में सब्जी काट रही हूँ, ये मैं गुदली की सब्जी बनाऊंगी आज, कच्ची कच्ची गुदली आई है मेरी भाभी जी के पीहर से, मेरी जेठानी के पीहर से, उनके और ये देखिए मेरे दही वालों का क्या हाल हुआ है आज, मतलब मेरा दिमाग, मेरा दिन, मेरे लग रहा है सब कुछ ही खराब है आज मेरा। ये दही बल्ले में मैंने शुरू शुरू में जो है घोल में मैं इनो डालती हूँ थोड़ा सा, उससे दही बल्ले काफ़ी फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं इनो डालना ही भूल गई, मैंने एक जो घोल एक पावा होता है ना, पावा बोलते हैं, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया और ये स्टार्टिंग का ऐसा बना है। फिर बाद में मुझे याद आया मैंने इनो तो डाला ही नहीं, तो मैं हाँ एक पैकेट में इनो भी डालती हूँ, थोड़ा सा इनो डालती हूँ, मतलब जितना घोल होता है उसके अकॉर्डिंग मैं इनो डाल देती हूँ। उससे दही बल्ले काफ़ी फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं और उनको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं बनता और खाने में भी टेस्टी होता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ इनो डाल के। तो आज आधे दही बल्ले मेरे फूले और आधे नहीं फूले। मम्मी ये चीज़ डाल देना, मैं आपको बता रही हूँ, कहेंगे लोग क्यों फालतू पैसे लगाती रहती है बिना मतलब। टायर पे वैल्यू नहीं हमारी तो। ये क्या था? और बुला ले, ये दलिया तेरे को खाना है? डाल तो दिया सारा, तीन जनों का कुछ नहीं, हम सबने खाया था दिन में इतना। तो यार मैं इतना थोड़ी खाती हूँ, मेरे को क्या दिन का और उसका साथ में दे रहे हो क्या? इतना तो आपने डबल को मैं ब्लैक वाला कलर से करूंगी, ब्लैक ब्लैक वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, खाना पीना सबका हो चुका है और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अभी ये जो मैंने भल्ले बनाए थे उनको मैंने डाल दिया है पानी के अंदर, करीबन एक घंटा हो गया होगा हाँ इनको पानी में डाले हुए, और काफ़ी अच्छे से फूले फूले दही बल्ले बने हैं। और जो इनो डाल के बनाए थे वो तो काफ़ी अच्छे बने हैं और जो बिना इनो के बनाए थे वो भी अच्छे हैं, वो मतलब इतने बुरे भी नहीं है खाने जैसे, तो वो भी बने हैं। और ये जो इनो डाल के बनाए थे ना, ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने, बिल्कुल रुई जैसे, और जाली देखिए कितनी अंदर से कितनी अच्छी जाली बैठी है इसकी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे व्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जो भी नए हो।